नमस्कार। आज के वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम संख्या के भेदों के जो अगले भेद है भाववाचक संज्ञा उसके बारे में समझेंगे। भाववाचक संज्ञा में जैसा कि केवल प्राणी और वस्तु स्थान इनके भाव प्रकट होते हैं, वस्तुओं में उनकी स्थिति का आभास होता है और स्थान में भी उनकी दशा अवस्था का बोध होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा मानते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है जिन शब्दों से किसी भाव अवस्था गुण दशा आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें सुंदरता, पूजा, लड़ाई, शांति, चालाकी, लड़कपन, महानता आदि ये इसके उदाहरण हैं। तो भैया बहनों, इनके अगर हम वाक्य प्रयोग करें, जैसे सुंदरता, सुंदरता की हमेशा पूजा होती है, तो यहाँ पर ये सुंदरता है ये भाव प्रकट करने वाला शब्द है। फिर पूजा, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, इस वाक्य में जो ये पूजा है इस शब्द भी क्या है भाव को प्रकट होता है। लड़ाई, इससे भी मतलब भाव प्रकट हो रहा है, जैसे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। शांति, शांति अगर हम वाक्य प्रयोग करें कि भी हमें अपने देश में शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करना चाहिए, तो शांति शब्द से भी भाव का प्रयोग भाव प्रकट होता है। चालाकी, उसने चालाकी से सारा धन हड़प लिया, तो चालाकी यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। लड़कपन, लड़कपन में सभी शैतानी करते हैं, इससे भी भाव प्रकट हो रहा है। महानता मतलब किसी भी देश की महानता के पीछे वहाँ के नागरिकों का मुख्य योगदान होता है, तो महानता सबसे भी भाव प्रकट होता है। अब देखिए, ये जो भाववाचक संज्ञा शब्द है इन शब्दों को बनाने में किस किस का सहयोग लिया जाता है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो जातिवाचक संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय शब्द है, इनके पीछे प्रत्यय जोड़ना। प्रत्यय जो कि हम कक्षा सप्तमी में, अष्टमी में या तक कि षष्ठी में भी पढ़कर आए हैं, तो प्रत्यय उन शब्द या शब्दांशों को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो इन प्रत्यय को किन किन के पीछे जोड़ना है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों के पीछे, सर्वनाम के पीछे, विशेषण के पीछे, क्रिया के पीछे और अव्यय शब्दों के पीछे प्रत्यय को जोड़ना है, और जोड़ते ही उपभाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ये इसका नियम है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे पशु, पशु क्या है, एक प्राणी है, और प्राणी किस में आता है, संज्ञा में आता है, और वो कौन संज्ञा में आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। क्यों? क्योंकि पशुओं से समूह का बोध हो रहा है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, किसी एक विशेष पशु के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर पशु जातिवाचक संज्ञा है। और जब इस जातिवाचक संज्ञा शब्द के पीछे ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पशुता, और जिससे केवल भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार शब्द के पीछे यानी संज्ञा शब्द के पीछे ता प्रत्यय जुड़ते ही उसका रूप बदल जाता है, यानी वो एक पशु का बोध न करा करके केवल भाव प्रकट करता है, तो यहाँ पर ये पशु से पशुता बन गया। उसी प्रकार आगे देखिए, बच्चा, बच्चा भी क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें अगर अपन पन प्रत्यय जोड़ेंगे
तो क्या बन जाएगा? बचपन। बच्चा जो कि संज्ञा शब्द है, पन पढ़ते जुड़ते क्या बन गया? बचपन। ये भाववाचक संज्ञा बन गया। उसी प्रकार भक्त, भक्त भी क्या है? संज्ञा शब्द है, प्राणी है। इसमें भी ई प्रत्यय जुड़ेंगे, ई प्रत्यय जुड़ते क्या बन जाएगा? भक्ति। भक्त से क्या बन जाएगा? भक्ति, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। आगे देखिए नौकर। नौकर शब्द में भी अगर ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो नौकरी बन जाता है, तो नौकरी जिससे भाव प्रकट होता है। चोर, चोर भी संज्ञा शब्द है, एक प्राणी होता है चोर भी। चोर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चोरी। तो ये भी भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द भी हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई संज्ञा के स्थान पर प्रकट होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो सर्वनाम शब्द है इनके पीछे भी यदि हम प्रत्यय जोड़े, उपयुक्त प्रत्यय जोड़े, तो ये भी भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। जैसे अपना, जो कि एक निजवाचक सर्वनाम है, अपना एक सर्वनाम शब्द है, इसके पीछे पन पड़ता है जुड़ते ही अपनापन शब्द का रूप बदल जाएगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। अपना, अपना शब्द का प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं, लेकिन जैसे इसमें पन पड़ता जुड़ता है तो अपनापन हो जाता है, तो जो कि एक भाव को प्रकट करता है, अपनापन का भाव। फिर अहम, अहंकार होता है मैं, संस्कृत में अहंकार होता है मैं, और इसके पीछे अगर हम कार प्रत्यय जोड़ देते तो इसका अर्थ हो जाता है अहंकार, इसका रूप बदल जाएगा, अहंकार हो जाएगा, और जिसका अर्थ होगा घमंड। तो इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों के पीछे भी हम जोड़ करके प्रत्यय को भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम शब्दों में जैसे निज है तो निजित्व हो जाएगा, सर्व है तो सर्वस्व हो जाएगा, अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं अपन। अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है, उसी प्रकार विशेषण के पीछे भी प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे बनती है? अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है, ये उसका गुण है। अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है, गुण है। इस अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या, ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छाई। क्या हो जाएगा? अच्छाई। तो ये उसकी मतलब ये शब्द भाव प्रकट करने वाला बन जाएगा, ये विशेषण शब्द भाव प्रकट करने वाला बन जाएगा। यानी अच्छाई सबको पसंद होती है, बुराई सबको पसंद नहीं होती है, इस प्रकार ये भाव प्रकट करने वाला शब्द बन गया। उसी प्रकार मीठा एक विशेषण गुण प्रकट करता है, ये मीठा, जैसे गुड़ मीठा होता है, गुड़ की विशेषता है गुड़ मीठा होता है, हमें मीठा होना चाहिए। तो ये मीठा शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, और इसके पीछे आस, आस प्रत्यय जोड़ते ही बन गया मिठास, ये भाववाचक संज्ञा हो गया, हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, तो ये भाव प्रकट करने वाला शब्द हो गया। उसी प्रकार वीर, वीर एक विशेषण शब्द है, महाराणा प्रताप वीर पुरुष थे, ये उनकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पर वीर क्या है? विशेषण शब्द है, लेकिन इसके पीछे अगर हम प्रत्यय जोड़ देता तो क्या बन जाएगा? वीरता। क्या बन जाएगा? वीरता। तो इसका वाक्य प्रयोग अगर करें तो महान पुरुषों को वीरता शोभा देती है, तो यहाँ पर वीरता क्या है? भाववाचक संज्ञा बन गई, भाव प्रकट करना शब्द बन गया। फिर है लाल। लाल क्या है? संज्ञा शब्द है, नहीं सॉरी विशेषण शब्द है लाल। जैसे गुलाब का रंग लाल होता है तो ये उसका गुण है लाल, लेकिन उसके पीछे ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लाली। तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, इसके बारे में जानेंगे। खेलना, जो कि एक क्रिया शब्द है,
उस खेलना में ये ना है ये हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? खेल, जो कि भाववाचक संज्ञा है। लूटना, लूटना से लूट ना हटा दे, लूट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लूट क्या है? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे अगर वाक्य प्रयोग करें कि भाई हमें उस घर को लूटना है, हमें उस घर को लूटना है, तो यहाँ पर ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इस भाववाचक संज्ञा में अगर हम लूट का वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे चोरों ने घर में सारा माल लूट लिया, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन जाएगा लूट। चढ़ना, इसके अंदर ना हटा करके आई पड़ता ही लगाता ही क्या बन जाएगा? चढ़ाई, जो कि भाववाचक संज्ञा। जैसे उसने पर्वत पर चढ़ेगी तो ये भाववाचक संज्ञा यानी भाव पकड़ेगा। उसी प्रकार अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना, इसमें क्या होगा? अव्यय शब्द उनको कहते हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के कारण प्रभावित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। तो अव्यय शब्दों में जैसे स्थान का नाम है, समय सूचक शब्द है, और विस्मयादि यानी विस्मय में डालने वाले शब्द है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उनका लिंग बदलो, चाहे वचन बदलो, चाहे उनका काल बदलो, वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब जैसे ऊपर, ऊपर एक स्थान सूचक शब्द है, ये स्थान सूचक शब्द है और ये अव्यय शब्द है। ऊपर, अगर हम ऊपर का मतलब ये ऊपर शब्द का अगर हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो भी वैसा ही रहेगा, पुल्लिंग के लिए करेंगे तो भी वैसा ही रहेगा, और एक वचन में करेंगे तो भी वही रहेगा ऊपर, और दो वचन में करेंगे तो भी वैसा ही रहेगा। तो ऊपर शब्द ऐसा है, इसमें अगर ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ऊपरी। ऊपर अव्यय है और ऊपरी क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। उसी प्रकार समीप, समीप में प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सामीप्य, अप्रत्यय जुड़ जाएगा। उसी प्रकार शीघ्र, शीघ्र में ता प्रत्यय जुड़ेगा तो शीघ्रता। दूर, दूर में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो दूरी। ये ऐसे शब्द हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं और इनमें प्रत्यय जोड़ने से ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा का रूप परिवर्तन मतलब भाववाचक संज्ञा को किस किस तरह से हम बना सकते हैं, विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके, अव्यय में प्रत्यय जोड़ करके, और जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके, और क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो संज्ञा के अन्य भेद हैं द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।